सो एग्रियंस, आज का जो टॉपिक है वो है बायोलॉजी, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लांट एनाटॉमी, जो कि बायोलॉजी CGPAT सिलेबस में पहला नंबर में है। ठीक है, प्लांट एनाटॉमी, जिसमें हम रूट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में जानेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। ये आपका पार्ट वन है। इसके बाद हम जो पार्ट टू है, पार्ट थ्री है, ये लेके आते रहेंगे। आपका मीडियम है इंग्लिश और हिंदी दोनों, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। सो अभी हम सॉल्व करेंगे हिंदी वाले क्वेश्चंस को। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग बता दिया है कि इतने टाइम में जो इंग्लिश वाला जो वीडियो है वो शुरू हुआ है करके। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके डायरेक्ट जंप कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, उस टाइमिंग पर। तो चलिए हम हिंदी मीडियम वालों के लिए जो जो क्वेश्चंस हैं उसको शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि मूलक के अलावा पौधों के हिस्सों से विकसित होने वाली जड़ें हैं एपी थिलस या फिर एपिकर्लस या फिर अपस्थानिक या फिर आपका रेशेदार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर तीन, अपस्थानिक। ऑप्शन नंबर तीन होगा, ठीक है, राइट आंसर। मूलक के अलावा पौधों के हिस्सों से विकसित होने वाली जड़ अपस्थानिक होती हैं। ठीक है, उत्तर यहाँ पे तीसरा वाला, अपस्थानिक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि जड़ें शुल्क द्वारा विकसित की जाती हैं हाइड्रोफाइट्स या फिर मीजोफाइट्स या फिर मरुद्भिद या फिर हेलोफाइट्स। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर वन, हाइड्रोफाइट्स। ऑप्शन एक होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जो अगला क्वेश्चन है वो है कि शंक्वाकार मांसल जड़ें इसमें से किस में होती है? शकरकंद में, डहलिया में, शतावरी में या फिर आपका ऑप्शन नंबर फोर, गाजर में। तो किस में होता है जी शंक्वाकार मांसल जड़ें? तो गाजर में होता है, ठीक है, डैकस कैरोटा में होता है। ठीक है, सभी याद रखिएगा, ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जो अगला क्वेश्चन है वह है कि नेपी फार्म की जड़ें रिकॉर्ड रूप में होती है किस में? मूली में, गाजर में, चुकंदर में या फिर शकरकंद में। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन तीन, चुकंदर में, नेपी फार्म की जड़ें। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीन, चुकंदर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि फूसी फार्म जड़ पाए जाते हैं किस में? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, देखिए फूसी फार्म जड़ के लिए, ठीक है, कौन सा? फूसी फार्म, ठीक है। तो यहाँ पे सोलेनम ट्यूबरसियम दिया गया है, आलू की दिया गया है, डायकोस कैरेटा दिया गया है और FNS सैटाइवम दिया गया है। तो देखिए कंफ्यूज ना हो, सोलेनम ट्यूबरसियम जो होता है ये आलू होगा, ठीक है, आलू की में आप कंफ्यूज हो रहे होगे और जानते भी नहीं होगे कि जो आलू की होता है वो होता क्या है। तो देखिए जो आलू की होता है इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? तारो कहते हैं। और इसको और क्या कहा जाता है? तो कोलोकेशिया कहा जाता है, और कोलोकेशिया को ही हम आलू की कहते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रायः इसको क्या कहा जाता है? तो कोचाई कहा जाता है, ठीक है। जनरली आप इसे सब्जी में यूज़ करते हो, इसका जितना भी पार्ट होता है, चाहे उसका लीफ वाला, पत्ती वाला भाग हो या फिर स्टेम तना वाला भाग हो या फिर उसका जड़ रूट वाला भाग हो, तो सभी को हम सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। इसे हम जो इड़हर सब्जी है वो भी हम जनरली छत्तीसगढ़ के लोग बनाते हैं, इड़हर बोलते हैं हम उसको, ठीक है। तो आलू की आपको पता चल गया किसको बोलते हैं, जनरली आपको पता चल गया होगा। इसके बाद डैकस कोरोटा जो कि आपका गाजर होता है और रेफेनस सटाइवम जो कि आपका मूली होता है। तो यहाँ पे जो कूसी फार्म जड़ है ये पूछा जा रहा है तो किस में पाया जाता है? तो आलू में नहीं पाया जाता, ना फिर आलू की में, डैकस कोरोटा में भी नहीं पाया जाता और रेफेनस सटाइवम में नहीं पाया जाता है, ठीक है। किसमें पाया जाता है? तो रेफेनस सटाइवम में पाया जाता है आपका मूली में, कौन सा? कूसी फार्म जड़। जनरली जो कूसी फार्म जड़ होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, देखिए ये हो गया। और यहाँ पे जो कूसी फार्म जड़ें हैं वो इस तरीके से होती हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ मूली में पाया जाता है और लास्ट में जो होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जो अगला क्वेश्चन है वो है कि प्राथमिक जड़ें और इसकी शाखाओं का गठन होता है किसमें, एडवेंटेटियस रूट सिस्टम में, या फिर रूट सिस्टम पर टैप करके, या फिर रेशेदार जड़ें, या फिर सेमल की जड़ें, किसमें होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन दो, ठीक है, कौन सा, रूट सिस्टम पर टैप करें। प्राथमिक जड़ें और इसकी शाखाओं का गठन रूट सिस्टम पर टैप में होता है। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका है कि खालिस्तान के क्षेत्र में जड़ बड़े होते हैं या बाल होते हैं, ठीक है, खालिस्तान के में, सेल परिपक्वता के में, या फिर परिपक्व कोशिकाएं में, या फिर बढ़ाव में, या फिर कोशिका विभाजन में, सेल डिवीजन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सातवां का वन होगा, ठीक है। सेल परिपक्वता में जो जड़ होते हैं उसके, मतलब कि जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जो भी मतलब कि आपका जो प्लांट होगा उसके जड़ में बाल होते हैं, ठीक है, बाल के रेशानुमा आपका निकला हुआ रहता है। तो किस में होता है, तो सेल परिपक्वता में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नोड्यूल्स जड़ें किस में होती हैं, नोड्यूल्स जड़ें किस में होती हैं, मटर में, गेहूं में, सरसों में, या फिर चावल में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन वन, मटर में पाए जाते हैं जो नोड्यूल्स जड़ें होती हैं वो, ठीक है, पी में पाए जाते हैं, पाइसम सटाइवम में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जो अगला क्वेश्चन है वो है कि रूट कैप में हिस्सा लेता है नई कोशिकाओं का निर्माण, पानी और खनिज का अवशोषण, रूट मेरिस्टेम का संरक्षण, या फिर भोजन का भंडारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री, रूट मेरिस्टेम का संरक्षण। देखिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है। और देखिए, जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको सभी लिख लीजिएगा, नोट्स बनाते जाइए, जबकि जब आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो आपका बायोलॉजी में 20 तो नहीं, लेकिन कम से कम आपका 15 नंबर तो निश्चित आएगा ही आएगा अगर ये फॉलो करते हो। तो रोज़ नोट्स बनाओ, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसको अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जो अगला क्वेश्चन है वो है कि शकरकंद की जो मांसल जड़ होती है वो होती हैं चोटीदार, ट्यूबरोस, या फिर गांठदार, या फिर फ्यूजी फॉर्म। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन टू, ट्यूबरेसम। शकरकंद की जो मांसल जड़ होती है स्वीट की वो होता है आपका ट्यूबरेसम, ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका रूट पॉकेट में होता है, रूट पॉकेट में होता है, मक्का में, पेंडनस में, बरगद में, या फिर जलकुंभू में। तो किस में होता है जी, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन फोर हो जाएगा, जो जलकुंभी होता है उसमें पाया जाता है रूट पॉकेट, ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां नंबर क्वेश्चन कि जड़ें अंदर नहीं होती किसमें, वाल्फिया में, सेरोटोफाइलम में, या फिर यूट्रिकोलियर में, या फिर उपयुक्त सभी में। जड़ें अंदर नहीं होती तो किसमें नहीं होता, तो सभी में नहीं होता, वाल्फिया में भी नहीं होता, सेरोटोफाइलम में भी नहीं होता, और यूट्रिकोलेरिया में भी नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रेड रूट है, रेड रूट है चुकंदर, गन्ना, आलू, या फिर आपका शकरकंद। तो रेड रूट कौन सा है, तो आपका ऑप्शन वन जो चुकंदर होता है इसमें रेड रूट होता है। तो जनरली चुकंदर रेड कलर का ही होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जो अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ भोजन को संग्रहित करके रखती है, गेहूं की जड़, गन्ने की जड़, सोलेनम नाइग्रम की टैप रूट, या फिर डहलिया की चमकृत रूप जड़ें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन फोर, डहलिया की जो चमत्कृत जड़ें होती हैं वो इसका मतलब कि राइट आंसर है, जो भोजन को संरक्षित करके रखती है या संग्रहित करके रखती है अपने जड़ों के अंदर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जो अगला क्वेश्चन है वह है कि निमेटोफोरस के पास रंध्र, या फिर पानी के छिद्र, या फिर इंटेलिसेल्स, या फिर जड़ बाल कौन सा होता है बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन थ्री, लेंटिसेल्स होते हैं न्यू मेटोफोरस के पास, ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है कि मीरा ब्लिस में जड़ें हैं ट्यूबरोस, चोटीदार, अद्युतभिदीय, या फिर गांठदार। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन वन, यानी कि ट्यूबरोसस, ठीक है, कौन सा, ट्यूबरोसस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है आपका कि स्टिल्ट जड़ों से बढ़ता है, स्टिल्ट जड़ों से बढ़ता है, लोअर इंटरनोड्स या फिर निचले नोड्स या फिर ऊपरी नोड्स या फिर अपर इंट्रोड्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन टू हो जाएगा, निचले नोड्स। स्टिल्ट्स जो जड़ होती हैं वो निचले नोड्स से बढ़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि चढ़ाई वाली जड़ें इसमें पाई जाती हैं, बरगद में, पेंडनस में या फिर मुरली वाला या फिर आपका गन्ना। सो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन थ्री, मुरली वाला। चढ़ाई वाली जड़ें किस में पाई जाती है? तो मुरली वाला में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्टिल्ट जड़ों से सूचित किया जाता है, स्टिल्ट जड़ों से सूचित किया जाता है, पेंडनस, मूली, आम का अदरक, आम का अदरक या फिर बारियोफाइलम, ठीक है। इसमें कंफ्यूज ना हो, सभी जो ऑप्शन है वो सही हैं। आप इंग्लिश वाले वर्जन में जाके चेक कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले, ओके। सो 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन वन हो जाएगा, पेंडनस में। स्टिल्ट जो जड़ होती हैं किसको सूचित किया, किस में सूचित किया जाता है? तो पेंडनस में किया जाता है। और मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ और आपको समझा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है ज़्यादा, ठीक है। 5 ही मंथ है और जल्दी जल्दी जो क्वेश्चन हैं उनको आपको सॉल्व कराने हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो क्लासेस हैं वो अच्छे से आपकी हो तो आप प्राइम मेंबर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। प्राइम मेंबर्स के लिए आप जो नंबर शो हो रहा है व्हाट्सएप नंबर, उसमें पूछ भी सकते हैं, आपकी क्लासेस उसमें जारी किया जाएगा, ठीक है। आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। इसके बाद जो 20 नंबर क्वेश्चन है ये रहा कि ट्रापा में कुछ जड़ें हैं, ट्रापा में कुछ जड़ें हैं तो कौन कौन सी? हवाई, समावेश संबंधी, श्वसन या फिर चल, ट्रापा में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन टू हो जाएगा, कौन सा जी? समावेश संबंधी। चलिए अब शुरू करते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। आप इंग्लिश मीडियम से अगर बिलोंग करते हो, इंग्लिश मीडियम के हो, तो उनके लिए ये है। चलिए, रूट डेवलपिंग फ्रॉम प्लांट्स पार्ट अदर देन रेडिस आर, रेडिकल आर, ठीक है, इपीफाइलस या फिर ईपी कैलोलियस या फिर एडवेंटेटियस या फिर फाइब्रोस। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन थ्री, एडवेंटेटियस, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट आर फीबली डेवलप्ड बाय हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स, ज़ेरोफाइट्स और ऑप्शन फोर, हेलोफाइट्स। सो राइट आंसर ऑप्शन वन, हाइड्रोफाइट्स। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है? कॉनिकल फ्लेसी रूट्स अक्यूर इन स्वीट पोटैटो, डेलिया, एस्पेरेगस या फिर कैरोट। सो कैरोट इसका राइट आंसर होगा, करेक्ट, कैरोट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, नेपीफॉर्म रूट्स आर रिकॉर्डेड फॉर्म रेडिस, कैरोट, बीट और स्वीट पोटैटो। सो राइट आंसर ऑप्शन थ्री, बीट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्यूसीफॉर्म रूट्स आर फाउंड इन सोलेनम, ट्यूबरेसम, कोलोकेशिया, तारो, डायकस्कोरेटा या फिर रेफिनस सेटाइवस। सो राइट आंसर ऑप्शन फोर, रेफिनस सेटाइवस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेज कॉन्स्टिट्यूट एडवांटेटियस रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम, फेब्रियस रूट सिस्टम और सेमी नल रूट्स। सो राइट आंसर ऑप्शन टू, टैप रूट सिस्टम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट हेयर्स अक्यूर इन द जोन ऑफ सेल मैचुरेशन और मैच्योर सेल्स ऑफ इलोनेगेशन और सेल डिवीजन। सो राइट आंसर ऑप्शन वन, सेल मैचुरेशन, ओके। नेक्स्ट, नोड्यूलेट्स रूट्स अक्यूर इन पी, वीट, मस्टर्ड और ऑप्शन फोर, राइस। सो राइट आंसर ऑप्शन वन, पी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो दोस्तों यहाँ तक ठीक है इंग्लिश का। अब बात करते हैं कि हम नेक्स्ट जो इसका जो पार्ट है वो कब लेके आएंगे। तो इसमें अगर आप 30 लाइक्स करते हो तो हम जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और अपने सभी एग्रीकल्चर फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना जो CGPAT की तैयारी कर रहे हैं 2020 के। ओके।